नमस्ते सस्याकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप 30 के हो चुके हो जो होने वाले हो। अगर आप 30 के हो चुके हो देन स्टार्ट यूजिंग दिस फेशियल एज सून एज पॉसिबल। क्या करने वाला है, आपकी उम्र 10 साल कम कर देगा। वो कैसे, जब आप 50 के हो गए आप 40 के नजर आओगे, जब आप 40 के हो गए आप 30 के नजर आओगे। नेचुरली होने वाला है, इस चीज़ को मजाक में मत लेना, गारंटी देती हूँ इस बात की। कोई भी पैसा नहीं खर्च होने वाला, एक चीज़ ही चाहिए हमें, वो है राइस। इस मेथड को भी मैं बड़े बड़े नाम नहीं देने वाली हूँ, बोटॉक्स दिस दैट ब्ला ब्ला, नो। सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फेशियल करना है आपको, कितनी बार करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगी इसी वीडियो में। सीरियस लेना इसको अगर आपको यंग दिखना है। जब दिस कोविड के बाद सारा कुछ सेटल होने के बाद आप घर से बाहर निकलोगे तो आप मुझे यंग दिखने चाहिए। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस फेशियल। वीडियो पसंद आए आपको क्या करना है, जस्ट लाइक पे प्रेस करना ओनली वंस। बार बार मत करते रहना, फिर कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। एंड हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, हटके देखना चाहते हो, देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नो, टाइम नहीं वेस्ट करना, लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। हाफ कप राइस मैंने 1 लीटर पानी में भिगो के ओवरनाइट छोड़ दिए थे, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। सबसे पहले मैं एक स्प्रे बॉटल लूंगी, उसमें 75% ये राइस काला चावलों वाला पानी डालूंगी। इस स्प्रे बॉटल्स को मैं एज ए टोनर तैयार करने वाली हूँ, जिसको आप फ्रिज में इजीली स्टोर कर सकते हो फॉर 2 आवर्स। एंड 1/3 उसमें डालूंगी रोज वाटर। दोनों चीज़ों को मिक्स करके हमारी स्प्रे एक तैयार हो गई है, राइस टोनर। सबसे पहला स्टेप है हमारा फेस को क्लीन करना। सो मैं फेस जो टिश्यू होते हैं, वाइप होते हैं, उस पर स्प्रे करके अपने फेस को वाइप कर रही हूँ। फेशियल का फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, अब हमें स्क्रब तैयार करना, जिसके लिए भिगोए हुए राइस है, थोड़ा सा पानी है उसमें। इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड करके मैं एक स्क्रब तैयार करूँगी। ब्लेंड करने के बाद जो मेरे पास थिक राइस आएंगे ब्लेंड किए हुए, सो उस एक चम्मच लेके उसमें 1 स्पून लूँगी मैं एलोवेरा जेल का। मिक्स करके मेरा स्क्रब तैयार है। स्टेप नंबर 2, फेस को स्क्रब करना है। आपको पता है राइस भिगोए हुए है बट स्टिल हार्ड है, सो जेंटली फेस को स्क्रब करें, हार्म ना कर लें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है फिर भी यूज़ कर सकते हो, बट बी जेंटल। स्क्रब को मैं दूंगी 60 सेकेंड एंड जेंटली स्क्रब करना है अराउंड योर नोज, वेयर एवर यू थिंक यू हैव टू स्क्रब योर फेस जेंटली। उसके बाद हमें करनी है तैयारी स्टीम लेने की। सो फिर आगे वहीं पे थोड़ा सा पानी मैं सेपरेट करके रखने वाली हूँ, कच्चा राइस वाला पानी फेस पैक के लिए। बाकी बचे हुए राइस एंड पानी को मैं बॉयल कर दूंगी। अब बॉयल करूंगी फॉर 5 मिनट्स बिकॉज मेरी स्टीम भी रेडी हो जाएगी। जो भी उसके बाद मुझे प्रोसेस करना है वो मुझे उबले हुए राइस ही चाहिए। उसके लिए स्टीम 5 मिनट हो गया। अब मैं इस पानी से स्टेप नंबर 3 स्टीम ले रही हूँ फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट तक मैं स्टीम लूंगी जो उबले हुए हमारे राइस और पानी है। स्टीम बहुत जरूरी है, हमारे पोर्स ओपन हो जाएंगे, हम उनकी डीप क्लींजिंग कर लेंगे। आगे उबले हुए राइस, उबला हुआ पानी वही डालकर मुझे अगेन ब्लेंड करना है ताजो मैं एक क्रीम तैयार कर सकूं। सो मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल आया है, इसके मैं लूंगी 2 टेबल स्पून। अब मैं फेस क्रीम तैयार कर रही हूँ, उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल। मिक्स करके मेरे पास फेशियल क्रीम तैयार हो गई है। तो स्टेप नंबर 4, अब मैं फेस को फेशियल क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं दूंगी एग्जैक्ट 5 मिनट। सो 5-5 मिनट तक अपने फेस को मैं मसाज दूंगी। सो अच्छी सी आप फेशियल स्टेप भी कर सकते हो, आप कोई भी स्टेप करके अपने फेस को मसाज दे सकते हो। बहुत जेंटल एंड सॉफ्ट मसाज बनी है हमारे पास, मसाजिंग क्रीम। एंड आप अच्छी सी मसाज करें, आपके फेस के मसल्स पॉइंट्स बड़ा रिलैक्स फील करोगे उसके बाद। एंड जो हमारे राइस और पानी बचा हुआ था उसी को थोड़ा सा गर्म करके जब स्टीम आने लगी, फिर मैं स्टीम ले रही हूँ फॉर 5 मिनट्स। तो ये है हमारा लास्ट स्टेप फेस पैक, जिसके लिए 1 टेबल स्पून बेसन लिया है, जो मैंने राइस कच्चा पानी निकाल कर रखा था वो डाला है थोड़ा सा, एंड उसके साथ जो हमारी पेस्ट बनी हुई थी। तीनों चीज़ों को मिक्स करके एक अच्छा सा फेस पैक तैयार हो जाएगा। इसी फेस पैक को हम तैयार करेंगे। थोड़ा मे बी क्राउडेड सा लग रहा होगा बट हमने 3 चीज़ें ही यूज़ किया, राइस, सेम राइस पानी एंड एलोवेरा जेल।
सो ये है हमारा स्टेप नंबर 6, फेस पैक। उस फेस पैक को अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए, 10 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। उसके बाद सिंपल पानी के साथ इसको वॉश कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना। वॉश करने के बाद जो हमने फर्स्ट नंबर पे स्प्रे तैयार की थी फेस टोनर, उसको कहीं भी नहीं फेंकना, फ्रिज में स्टोर करके रखना। अब फेशियल के एंड में अगेन मैं फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। ये था हमारा सिंपल सा फेशियल जो आप इजीली घर पर कर सकते हो। मेरा मानना है कि एटलीस्ट आपको महीने में 2 बार करना चाहिए, कभी मिस हो भी गया तो एक बार तो महीने में जरूर करें। जी जहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सिंपल सा मेथड है जी। जितनी आप अपनी स्किन की केयर करोगे उतनी वो यंग रहेगी, खूबसूरत रहेगी, सिंपल जी। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम एंड और क्या करना है, कुछ नहीं करना। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा ऑलरेडी, अगर नहीं करा तो मैं सच में गुस्से हो जाऊंगी। इस वक्त गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।